नफरत ना करके दूर दिल तक साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई मिल्टा पावर जो है इरेंगल 2.0 में कैसे दिखने वाला है। और भाई इस वीडियो को देखने के बाद ना जो हमेशा भाई मिल्टा पावर जाना पसंद करते थे भाई वो शायद रोने लग जाएंगे। क्यों रोएंगे भाई वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। और आज की ये वीडियो भाई आपको ना अल्ट्रा HD ग्राफिक में दिखने वाली है भाई, क्योंकि अभी जो है मेरे जो है भाई यहाँ पर मैंने आज जब बीटा वर्जन ओपन किया तो भाई Redmi K20 Pro में ना अल्ट्रा HD भी भाई ओपन होने लग रही है। मतलब हो सकता है कि जब ये नया अपडेट आए तो भाई जिसमें HDR चलता था ना उसमें ना अल्ट्रा HD भी भाई अनेबल हो जाए तो उसमें भी आप खेल पाओ। लेकिन इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई, तो भी देख लेना कि भाई अल्ट्रा HD में और HDR में कितना फ़र्क है मुझे, क्योंकि भाई कुछ फ़र्क नहीं लग रहा भाई। मैंने जब अल्ट्रा HD किया ना तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा। वैसे आप देखो भाई मतलब मिल्टा पावर की बिल्कुल ही बैंड बजा दी भाई। जो मिल्टा पावर जाना पसंद करते ना, जिनको भाई मिल्टा पावर की एक एक जगह का पता था कि भाई कहाँ पर छिपना, कहाँ पर छिप कर पेटी बनानी है, तो भाई अब भूल जाओ क्योंकि ये बिल्कुल नया हो गया। और भाई ये देखो DBS की भाई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रही भाई। अब ये पहले तो भाई ड्रॉप में मिलती थी, अब ये वैसे भी मिलेगी भाई आपको। तो यहाँ पर मुझे ये वैसे भी मिलने लग रही है ये वाली गन। और ये देखो भाई आप मतलब जैसा मिल्टा पावर था तो भाई वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। अगर आप पसंद करते थे भाई मिल्टा पावर जाना, जैसे भाई जो पोचिंग की पसंद करता, जो मिलिट्री बेस जाना पसंद करता है, तो भी उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि भाई मिलिट्री बेस वैसे ही है जैसे पहले था भाई। सी बिल्डिंग है, बस उसमें ना जो ग्राफिक वगैरह जो भाई सब कुछ ना अपग्रेड हो गया भाई, टाइल वगैरह जो भी है भाई बहुत मस्त हो गया। लेकिन मिल्टा पावर तो भाई एक ऐसी जगह है मतलब जहाँ पर मिल्टा पावर ही उड़ा ले गए भाई पबजी वाले। जैसा पहले था ना बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो हो सकता है कि कुछ को ये पसंद आए, और हो सकता है कि भाई जिनको पहले वाला मिल्टा पावर पसंद था भाई उनको वही पसंद आए, ये वाला पसंद ना आए। क्योंकि भाई अब ये समझो कि ये मिल्टा पावर रहा ही नहीं यार, बेस सक्सेस का नाम भी बदल देना तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बोल भी नहीं सकता कि ये मिल्टा पावर है। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह नहीं रही भाई जो पहले मिल्टा पावर में थी। तो ये मेन बिल्डिंग है भाई, ये देखो। तो जो कैंपिंग करना चाहते हैं भाई मतलब जो कैंपर्स है या रैंक पुश करते हैं तो उनकी तो भाई बल्ले बल्ले है भाई ये समझो। क्योंकि देखो भाई ये छिपने की क्या जगह है भाई, ये अगर आकर यहाँ पर कोई लेट गया बैठ गया तो भी दूसरे की पेटी बननी भाई संभव है। क्योंकि अब कैंपर्स तो ऐसे ही होते हैं भाई, बैठ जाएंगे और एक सेकेंड लगेगी भाई पेटी बनाने में बना देंगे। तो जगह ऐसी ऐसी हो गई है भाई, आपको दिखाऊंगा और भी। तो मिल्टा पावर वालों क्या होगा भाई तुम्हारा, मतलब बता देना एक बार कमेंट में कि आपको कैसा लगा। तो मैंने आज की वीडियो भाई थोड़ी सी स्पीड में कर दी, और स्पीड में करनी जरूरी थी क्योंकि भाई मुझे पता है कि आपके पास मुझे लगता ज़्यादा डाटा है और ना ज़्यादा टाइम है, तो भी स्पीड में करनी पड़ी। क्योंकि यार जब मैं सारे मिल्टा पावर में घूमा और फैक्ट्री में घूमा ना तो भाई 18 मिनट की वीडियो बन गई। तो झटका सा लगा कि भाई इस वीडियो को तो शायद कोई देखेगा भी नहीं, तो थोड़ी सी छोटी करने के लिए भाई मैंने स्पीड बढ़ानी पड़ गई भाई, मजबूरी थी। अब जिसको जो देखना भाई वो वीडियो को पॉज कर करके देख सकता जो भी उसको पसंद आए। और इस बिल्डिंग में घुसने के लिए भी भाई बीच में से मतलब आपको जगह मिल जाएगी, एक बिल्डिंग में घुस गए भाई आप अंदर अंदर से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हो। तो बिल्कुल ही चेंज हो गया यार, बिल्कुल ही चेंज। अब भाई मैं तो बस एक बार आया हूँ भाई, पहली बार आया हूँ मिल्टा पावर में यहाँ पर, और एक बार घूम के आपको दिखा दिया। तो जब हम डेली खेलेंगे तो शायद हमें यहाँ पर और भी कुछ नया देखने को मिले, या फिर भाई कोई ऐसी जगह देखने को मिले और भी जहाँ पर भाई हम अच्छे से जो है कैंपिंग कर सके या कुछ भी। और ये देखो भाई जो हमारा एक ये जो थर्मल जो भी था भाई ये टूट कर यहाँ पर गिर गया भाई। और इसके ऊपर से चलते हैं ना भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा पबजी वाले क्यों ऐसी ऐसी साउंड देते हैं भाई। ये लोहे का थोड़ा ना बना भाई, ये इस पे से चलते ना तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे कंटेनर पे से चलते टाइम आती है। तो जो भी है भाई ये पबजी की अपनी पसंद है, जैसे वो निर्मा क्या भाई वो उसकी पसंद है ना, वैसे ही भाई ये पबजी की पसंद है भाई। ये खुद वो कुछ भी दे, चाहे यहाँ पर कंटेनर की आवाज़ दे या फिर भाई जहाज की दे या पानी की दे, कैसी भी दे भाई उनकी मर्जी है। तो ये देख लो भाई आधा जो है मिल्टा पावर इस साइड हो गया और आधा उस साइड हो गया। तो ये उस साइड वाला तो भाई बिल्कुल ही नया आ गया। तो भाई मैं तो पबजी वालों से ये बोलूँगा कि भाई मिल्टा पावर नाम हटाओ और पावर हाउस नाम टेक दो भाई इसका। हर जगह तो भाई यहाँ पर आपको जो है ट्रांसफार्म दिखेंगे भाई, और ये वेयर हाउस। और एक बात और बता दूँ भाई, जब ये ग्लोबल वर्जन में आएगा भाई सीजन 15 में अपडेट आएगा तो उसमें आ जाएगा, तो भाई मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ना लूट भी ज़्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि भाई ये जो है बिल्कुल नया मिल्टा पावर है, तो हो सकता है कि पबजी ये सोचे कि भाई यहाँ पर अच्छी सी लूट दे दे जिससे कि भाई सभी के सभी यहीं पर उतर जाए 100 के 100 बंदे। तो कुछ भी हो सकता है भाई, लग रहा है वैसे मुझे कि यहाँ पर लूट ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जगह तो ऐसी होगी भाई। ये देखो
मतलब कहाँ से निकल के जाने लग रहा हूँ भाई मैं कैंपस, तो यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे आराम से अपनी रैंक पुश करेंगे। तो भाई करना जो भी आपके काम की है भाई, जंग है तो वैसे रैंक पुश जिसको करनी है, जंग है बहुत है भाई, ऐसी जंग है बना दी जैसे मिल्टा, जैसे मिलिट्री बेस में ना, कि मतलब बहुत बड़ी लग रही है यार, मतलब उतना बड़ा अब पता नहीं भाई ऐसी इतनी जंग है कहाँ से लेकर आए, खरीद दिया पबजी ने क्या क्या, लेकिन उससे बड़ा लगने लग रहा है भाई। तो देखो भाई क्या क्या, मतलब यहाँ पर भी वेयर हाउस, आगे भी वेयर हाउस, तो ये ट्रक खड़े कर दिए भाई, अगर इसमें कोई अंदर घुस गया ना ट्रक के तो हमारी तो पेटी बनेगी बनेगी। तो भाई मुझे तो ये लग रहा है कि भाई मुझे तो यहाँ पर जब ये आएगा ना तो आना नहीं चाहिए भाई, वैसे भी नई जंग है भाई, हमें तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पर क्या है, लेकिन बहुत आएंगे भी क्योंकि स्टार्टिंग में नया नया, तो भाई आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और लूट भी मस्त मिलनी चाहिए भाई। अगर यहाँ पर लूट भी मस्त नहीं दी तो भाई मुझे लगता है ऐसा भाई पक्का भाई यहाँ पर ना आपको मस्त लूट मिलेगी, जैसे लोग मिलिट्री बेस में आना पसंद करते हैं ना, क्या पता आप यहाँ पर भी आना पसंद करें भाई, क्योंकि ये हो सकता है कि हॉट ड्रॉप बन जाए। और इसके आसपास की बिल्डिंगें देखो भाई, मतलब ये घर जो भी थे भाई इस तरह के हो गए हैं, तो अगर भूख लगे चाय पानी यहाँ पर आकर ले सकते हो आप। ये क्या क्या बोलने लग रहा हूँ यार मैं, वो इस और में बैकी बैकी बातें करने लग गया। तो जो भी है भाई अब ये सब देख के ना मेरी मतलब आवाज़ ऐसी हो गई है और बातें ऐसी ऐसी करने लग गया यार, मुझे भी मतलब अजीब सा लग रहा है यार। निरेंगल 2.0 था लेकिन ये तो भाई 8.0 लगने लग रहा है, मुझे क्या कर दिया भाई, बिल्कुल ही उड़ा दिया सब कुछ। अब भाई फैक्ट्री देखना, तो फैक्ट्री का ये बोल सकते कोई फैक्ट्री है तो उसी जगह पे और आसपास वही है, लग रहा है कि हाँ भाई ये फैक्ट्री एरिया होगा, लेकिन मिल्टा पावर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई। और अब मैं फैक्ट्री के अंदर घुस के दिखाता हूँ, बिल्कुल ही अलग हो गया भाई, और कैंपिंग करने वालों की तो भाई यहाँ पर बिल्कुल मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, बल्ले बल्ले बिल्कुल। तो देखो भाई ये यूएज की ऐसी की तैसी करके रख दी, और भाई कुछ वीडियो पे विनोद विनोद कमेंट आने लग रही है, तो मुझे पता है भाई वो विनोद विनोद क्यों कर रहे हो, मैं मुझे सब पता है, तो अगर करना चाहो तो आप इस पे भी कर सकते हो यार, क्या जाता है कुछ नहीं जाता, कर सकते हो विनोद, मतलब क्या यार क्या ही, मतलब कुछ भी वायरल हो जाता है यार, कभी जेसीबी की खुदाई, कभी विनोद, कभी कुछ, बल्ले बल्ले है भाई, मतलब मस्त है भाई हमारे मतलब इंडिया वाले सभी मस्त है, कुछ भी वायरल कर देते हैं, कुछ भी, कभी कुछ वायरल कभी कुछ, और अभी तो भाई कुछ दिन यही देखने को मिलेगा, विनोद 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 की ऐसी तैसी करके रख देंगे भाई सभी के सभी। तो ये देखो भाई फैक्ट्री देख लो, वैसे मज़ा आ रहा होगा भाई आपको वीडियो में, मुझे पता है, बाकी डिसलाइक करने वाले तो करेंगे क्योंकि भाई उनकी ऐसी तैसी होती है ना। अब देखते हैं डी गेमिंग वाई टी की वीडियो आ गई, डिसलाइक ठोक दो तो ठोको, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं उसको बोल रहा हूँ भाई जो हेटर्स है भाई, सभी को नहीं बोल रहा भाई, और उन हेटर्स को तो बोलना भी चाहिए यार। अब ये थोड़ा ना कि वो कुछ भी करे और हम हाथ जोड़ कर खड़े रहे यहाँ पर, हम वोट थोड़ा ना मांग रहे हैं कि आप गाड़ी दोगे और हम हाथ जोड़ कर खड़े रहेंगे, नहीं भाई, इलेक्शन नहीं हो रहे ना, हमने इलेक्शन जीतने, तो जो अच्छा रहेगा हमारे साथ हम उसके साथ दुगुना अच्छा रहेंगे, और जो बुरा रहेगा ना तो छोड़ दो भाई। अब ये देखो भाई यहाँ पर लेटो भाई, जो कैंपर्स है ना भाई और जो रैंक पुश करते हैं भाई, ये वाली जगह तो मतलब आपके लिए ऐसी हो गया भाई, बैठ जाना यहाँ पर, अगर आपको कोई मार ही नहीं सकता, या फिर यहाँ पर आकर लेट जाना भाई, मस्त जगह हो गई भाई, और आपको लूट भी मस्त मिल सकते हैं यहाँ पर। और ये जितने बोट मुझे यहाँ पर मिलने लग रहे ना भाई, सभी के सभी को मैं माफ करने लग रहा हूँ, ये सोच कर कि जाओ भाई जी लो अपनी जिंदगी। अगर ये ग्लोबल वर्जन में होते ना भाई तो मतलब 10 की केडी कर लेता मैं इनको मार मार के, तो अभी इनको मारने में कोई फायदा नहीं है ना, मेरा मूड है भाई इनको मारने में, और मुझे बस वीडियो बनानी है। और ये जगह देखो भाई, अब भाई बसंती को पाने के लिए यहाँ पर आपको चढ़ना पड़ेगा, अगर आपको बसंती चाहिए ना तो यहाँ पर ऊपर आना और मौसी मौसी बोलने लग जाना कि बसंती की शादी मेरे से करवा दो। तो ये वही टावर है भाई जहाँ पर धर्मेंद्र ऊपर चढ़ गए थे। तो भी मैंने आपको सारा घूम के दिखा दिया सारा शहर, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो।